ना न्याय देखा है उन कश्मीरी पंडितों की छाती गोलियों से भींगने वालों पर भारत सरकार को मेहरबान है जो उनको सिर्फ भारत ऐसी सुविधा देती है। मैं सख्ती से मांग करता हूं भारत के दुश्मनों को किसी भी स्थिति में किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में कोई सुविधा नहीं देनी चाहिए। उनके सीने में गोली मारनी चाहिए, उनके सीने में गोली मारनी चाहिए, उनके सीने में गोली मारनी चाहिए। बंधुओं, एक ब्राह्मण बीएसएफ का जवान पंडित सीताराम तो गोली लगी। अगर देश में देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं आपको देश में आतंकवादियों को मारने के लिए भेजा था, आतंकवादियों को छोड़ने के लिए नहीं। हम निंदा करते हैं सिर्फ भारत चाहे अटल जी की हो चाहे मोदी जी की, हम भारत के सम्मान से समझौता नहीं करेंगे। जब तक प्रश्न के बंधन धरती पर है हम युद्ध ही करते रहेंगे अन्याय के विरुद्ध। उन्होंने हम एक बार युद्ध की मांग करते हैं, हमारे भगवान ने ही 21 बार युद्ध करा था। अन्याय चाहे अपना हो चाहे गैर हो हम अन्याय के विरुद्ध युद्ध करेंगे, युद्ध। बंधो, इस देश के अंदर ब्राह्मण शिक्षा का पुंज है, ब्राह्मण शिक्षा का पौधा है, ब्राह्मण शिक्षा का संरक्षक है। मगर दुर्भाग्य शिक्षा का व्यवसायीकरण होने से कई ब्राह्मण पढ़ने को मोहताज है। मैं इस देश की सरकारों से इस मंच के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपस्थिति में ये मांग करता हूं कि महंगी शिक्षा ब्राह्मण के लिए उचित नहीं है, सुलभ शिक्षा ब्राह्मण के लिए उचित है। सरकारों द्वारा शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां दाखिले 50-50 लाख रुपए देकर होते हैं वहां ब्राह्मण का बेटा डॉक्टर नहीं बनने का, वो तो पढ़कर डॉक्टर बनता है, पैसे देकर डॉक्टर नहीं बनता। इस देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण, बाजीकरण, कालाकरण समाप्त होना चाहिए, वरना ब्राह्मण समाज आंदोलन को विवश होगा। इस देश में न्याय होना चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए, सरकारों द्वारा न्याय भरोसा देना चाहिए। अन्याय चाहे किसी के भी द्वारा हो हम अन्याय का हर स्तर पर विरोध करेंगे। अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो हम अन्याय के विरुद्ध युद्ध करेंगे। मैं आप जिंदाबाद एक मैं अंतिम बार कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बंधु, इस देश के अंदर जहां ब्राह्मण है मां न्याय है, मां धर्म है, मां शिक्षा है, मां स्वराज है, मां साम्राज्य है, मां रामराज है। जहां ब्राह्मण नहीं है ठीक उसके उल्टा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ब्राह्मण को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए हमको न्याय का साथ देना पड़ेगा, न्याय का। और न्याय जहां हो उसको ढूंढ कर स्थापित करो, हुकूमत करो, शासक बनो, न्याय बनो, अन्याय का विरोध करो। हमको चाहे कोई कितने ही पाठ पढ़ाए, हमने हिंदुस्तान पर हुकूमत करी है, हम शासन ही करेंगे, हम शासक ही रहेंगे, हम शोषित नहीं रहेंगे, हम पीछे नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।